गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू एलकेजी क्लास। उस दिन मैंने आपको का से क्या तक व्यंजन लिखवाया था। आज जो है बाद का अक्षर हम लिखवाएंगे। अब इधर देखेंगे बाद का अक्षर में क्या आता है। ये सबसे पहले हमने आ से अनार लिखा है। आ से अनार के बाद क्या आता है? आ से आम। का से कबूतर के बाद क्या आता है? का से खरगोश। ये मैंने गमला लिखा है, गासी गमला। गासी गमला के बाद क्या आएगा? का से हर। अब देखिए क्या होता है, नेक्स्ट व्यंजन क्या लिखा है? चा। चा से चम्मच। चम्मच के बाद क्या आता है? का से छाता। ये देखिए नेक्स्ट व्यंजन का। टा से टमाटर, का से कटेरा। नेक्स्ट देखिए ता से तरबूज, हा से हरमस। पा से पतन लिखा है, पा से पतन के बाद क्या आता है? पा से फल। लास्ट देखिए बा से बकरी, बा से बकरी के बाद क्या आता है? भा से भालू। और जो आपने व्यंजन फिल किया है उसको आपको अंडरलाइन करना है। इसमें स्वर भी है एंड व्यंजन दोनों है। अंडरलाइन से क्या होगा ये पता लगेगा कि आपने क्या क्या फिल किया है। एक बार फिर से देखिए, छोटे आ से नाम के बाद बड़े आ से आम, का से कबूतर के बाद खा से खरगोश, गा से गमला के बाद घा से घर, छा से चम्मच के बाद छा से छाता, टा से टमाटर के बाद ठा से ठटेरा, ता से तरबूज के बाद खा से खरमस, पा से पतंग के बाद पा से फल, पा से बकरी के बाद घा से भालू। ये आपको कॉपी में करना है और ग्रुप में सेंड करना है। अभी इधर आइए, होमवर्क आपका दो पॉइंट वाले दस शब्द आपको लिखना है। एक मैंने एग्जांपल आपको लिख दिया है, काला काली, जाला जल, नाला नल। इस तरह से आप 10 शब्द लिखना है। आप बुक की हेल्प भी ले सकते हैं, बुक से भी लिख सकते हैं। और ये भी आपको ग्रुप में सेंड करना है, पाठ का अक्षर, और ये भी आपको ग्रुप में सेंड करना है। दोनों वर्क आपको कॉपी में करना है और दोनों